तो दोस्तों ऋतिक रोशन के चाहने वाले ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में मौजूद है और इन सब के बीच साउथ की एक्ट्रेस मीना भी उन्हें काफी ज्यादा पसंद करती है। दोस्तों मीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऋतिक रोशन के रिसेप्शन की एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि उस दिन ऋतिक से मिलकर उनका दिल टूट गया था। दरअसल दोस्तों साल 2020 में आई ऋतिक रोशन की सुपरहिट डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है के बाद से ही वो लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं। दोस्तों इस फिल्म के रिलीज होते ही देश विदेश की हजारों लाखों लड़कियां ऋतिक को अपना दिल दे बैठी थी और ऋतिक ने खुद इस बात का खुलासा करते हुए द कपिल शर्मा शो पर बताया था कि कहो ना प्यार है के रिलीज होने के बाद उन्हें लगभग 30,000 लड़कियों के शादी के प्रपोजल आए थे और दोस्तों इन लड़कियों में साउथ की एक्ट्रेस मीना भी शामिल थी जो ऋतिक की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। और हाल ही में मीना ने ऋतिक के प्रति अपनी दीवानगी सोशल मीडिया पर जाहिर की है। दरअसल दोस्तों मीना ने अपने ऋतिक के साथ एक काफी पुरानी तस्वीर शेयर की है जिसमें हमें ऋतिक रोशन और मीना एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों इस तस्वीर को शेयर करते हुए मीना ने कैप्शन में लिखा है, उस दिन मेरा दिल टूट गया था, मैं अपने फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन से बेंगलुरु में उनकी शादी के बाद मिल रही थी। आप भी देखिए मीना सागर का ये पोस्ट, द डे माई हार्ट ब्रोक मेट माई ऑल टाइम फेवरेट इन बेंगलुरु ऑन हिज पोस्ट वेडिंग गेट टुगेदर एट ऋतिक रोशन। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि वायरल हो रही ये तस्वीर ऋतिक और सुजैन की शादी के रिसेप्शन में ली गई थी। और दोस्तों अब मीना की इस पोस्ट से इतना तो साफ हो जाता है कि केवल मीना ही नहीं बल्कि उस टाइम पर हजारों दिल टूट गए होंगे क्योंकि बॉलीवुड के हैंडसम हंक ग्रेक गॉड ऋतिक रोशन की शादी सुजैन खान से हो चुकी थी और लाखों लड़कियों की धड़कन बने ऋतिक रोशन ने उन तमाम लड़कियों के साथ साथ साउथ की एक्ट्रेस मीना का भी दिल तोड़ दिया था। तो ऋतिक रोशन के तमाम फैंस आप बताइए कि आप मीना के इस बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।